स्टूडेंट, आज अपन न्यू चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में रीड करेंगे। इस चैप्टर को रीड करने से पहले अपन को जो प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा हुआ मटेरियल्स कौन से होते हैं, मटेरियल्स यानी जो ऑक्यूपाइड करते हैं स्पेस को और जिसके अंदर क्या हो मास हो, वो सभी सब चीज़ क्या है, क्या कहलाती है मटेरियल्स, क्या कहलाती है मटेरियल्स। अब अर्थ के ऊपर जो भी चीज आप डेली रूटीन में देखते हो उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो भी डेली बेसिस के ऊपर अपन यूज़ करते हैं। लेकिन अपने छोटी क्लासों के अंदर क्या है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर भी अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मेटल्स, मेटल्स कौन से होते हैं, मटेरियल्स के अंदर भी मेटल्स होते हैं, दोज मटेरियल्स विच पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड, शाइनिंग, मैलेबल, फ्यूजेबल एंड डक्टिलिटी एक्सेट्रा आर टर्म एज मेटल्स। यानी मेटल्स वो होंगे जिसके अंदर क्या हो, उनके कैरेक्टर्स में वो हार्ड होने चाहिए, ये शाइनिंग भी शो करते हैं, ये मेलेबल भी होते हैं, फ्यूजेबल भी होते हैं और डक्टिलिटी को शो करते हैं। ये सभी की सब क्या कहलाते हैं मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, मेटल्स के एग्जांपल्स, किसके एग्जांपल्स हैं मेटल्स के एग्जांपल हैं। अब मेटल्स के ये मेटल्स के कुछ दो प्रकार की इसकी प्रॉपर्टीज है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। आज अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है मेलिएबिलिटी। कौन सी मेलिएबिलिटी, ये आपको याद रखना है, मेलिएबिलिटी मीन्स क्या होता है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विच अलाउ देम टू बी बिट इन टू द थिन शीट। यानी किसी भी मेटल्स को यदि अपन बीट करें, उस पर हथौड़ा मारें, तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाए थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, मेलिएबिलिटी। और ये शो कौन करता है, मेटल्स शो करते हैं। जैसे कि आपने ये देखो डायग्राम के अंदर ये दिखा है एल्यूमिनियम फॉइल, जिसके अंदर अपनी अपन जो फूड लेके आते हैं उसको मम्मी फोल्ड करके रख के देती है अपन को, तो ये एल्यूमिनियम फॉइल उसका यूज अपन फूड के अंदर करते हैं। ये सिल्वर का है तो ये क्या आपकी किसमें आता है, जैसे अपने स्वीट्स जो होती है उस स्वीट को डेकोरेट करने के लिए काम में ली जाती है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि इनको यदि अपन थीन से थीन, बहुत पतली से पतली शीट में मेटल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल्स को शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको अपन क्या करते हैं यूज में करते हैं। अब देखो आगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी द शेप ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम वायर कैन बी चेंज ऑन बीटिंग। यानी एल्यूमिनियम और आयरन की जो नेल्स होती है या कोई इक्विपमेंट होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में उसको चेंज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपनी मेलिएबिलिटी को शो करते हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आयरन के अंदर आप कई चीज़ें देखते होंगे, आयरन की शेप क्या होती है, अलग अलग दिखती होगी आपको, कहीं फ्लैट में दिखता होगा, कहीं वो रेक्टेंगल साइज में दिखती है, कहीं सर्कुलर साइज में दिखती है आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में अपन उसको चेंज कर सकते हैं, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है मेटल, इसी कारण उसका यूज कर सकते हैं अपन। इसके अलावा द सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेशन स्वीट और एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर पैकिंग ऑफ फूड्स। यानी जो स्वीट्स अपने जो खाना स्वीट्स खाते हैं अपन, उस स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए अपन सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं। आपने मिठाई काजू कतली खाई होगी, काजू कतली के ऊपर जो एक प्लेन सी परत जो होती है ना, वो भी किसकी होती है, इस सिल्वर फॉइल के रूप में उसको डेकोरेट किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल मैंने आपको पहले बताया था फूड को क्या करता है, कवरअप करने में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसकी डक्टिलिटी, क्या की डक्टिलिटी, ये भी मेटल शो करता है।
मेटल्स की इज डक्टाइल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का मीन्स क्या है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ द करंट हीट पास थ्रू देम इजीली यानी कोई सा भी मेटल है उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट और हीट क्या हो सकती है उसके अंदर से इजीली गो जा सकती है इजीली उसमें से क्या हो सकती है जा सकती है इसी को अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं इसको कंडक्टिविटी जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है मेटल्स लाइक आयरन की रोड है नेल्स है कॉपर वायर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के इनमें से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट होती है वो पास आउट हो जाती है इसलिए क्या बोलते हैं गुड कंडक्टर भी कहा जाता है एलिमेंट में मेटल्स को नेक्स्ट है डक्टिलिटी डक्टिलिटी का मतलब क्या आता है दिस प्रॉपर्टी और द मेटल विच अलाउ देम टू बी ड्रॉन इन द वायर यानी अपन कोई सा मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी खास कर होती है डक्टिलिटी की उसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर के अंदर भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन डक्टिलिटी क्या बोलते हैं डक्टिलिटी अब जैसे ये कॉपर के वायर देखे आपको दिख ही रहे ये कॉपर के वायर है अब आपने देखा ये वायर जो है किसके कॉपर के भी होते हैं एल्यूमिनियम के भी होते हैं कई प्रकार के मटेरियल्स का एलिमेंट मेटल्स का यूज़ करके अपन ना वायर को बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है इस कारण मेटल लाइक एल्यूमिनियम कॉपर वायर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक कनेक्शन और इलेक्ट्रिक कनेक्शन में इसीलिए अपन किसका एल्यूमिनियम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये डक्टिलिटी को प्रॉपर्टी को शो करती है नेक्स्ट अपनी आती है सोनर्स क्या सोनर्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है यदि उसके अंदर उसके ऊपर अपन हीट करें तो वो क्या साउंड को प्रोड्यूस करें इसको प्रोड्यूस करें साउंड को प्रोड्यूस करें और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है सोनर्स कहलाती है क्या कहलाती है सोनर्स कहलाती है अब देखो इसमें क्या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हीट हीट करते समय उसमें क्या होना चाहिए साउंड प्रोड्यूस करें ये प्रॉपर्टी मेटल शो करते हैं जैसे कि आप मंदिर पर जाते हो तो आप घंटी बजाते हो तो किसकी बनी हुई है मेटल्स की बनी हुई है अपने स्कूल के अंदर जब रिंग बजती है तो रिंग किसकी बनी हुई है जो बेल बजती है उस बेल में भी घंटी किसकी बनी हुई है मेटल्स की बनी हुई है और मेटल्स की क्यों बनाते हैं अपन किसी नॉन मेटल्स की भी बना सकते हैं तो नॉन मेटल्स में ये एट्रीब्यूट्स होता ही नहीं है नॉन मेटल्स में ये एट्रीब्यूट्स होता ही नहीं है सोनर्स का होता ही नहीं है डक्टिलिटी का शो करता है वो इसी कारण अपन मेटल्स की ही क्या बनाते हैं कोई सी भी बेल है वो अपन उसी की बनाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है सोनरस प्रॉपर्टी को वो शो करता है जैसे ये रिंग बता रहे हैं अभी रिंग किसकी बनी हुई है मेटल्स की बनी हुई है और ये मेटल्स की क्यों बनाई हुई है क्योंकि अपन को इसका यूज़ किस में करना है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए करना है और अपन को पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं यदि उनके ऊपर अपन इस बेल को हिलाएंगे इसके ऊपर हिट करेंगे तो क्या करेगा ये क्या करेगा साउंड प्रोड्यूस करने में लगेगा इसीलिए इसका यूज अपन मेटल में करते हैं नेक्स्ट आती है लस्टर कैसी प्रॉपर्टी लस्टर प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है ये बहुत शाइनिंग सरफेस की होती है जो भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं शाइनिंग सरफेस के होते हैं जैसे गोल्ड की देखो आप सिल्वर की देखो एल्यूमिनियम को देखो तो उसमें क्या शाइनिंग सरफेस होती है क्या होती है शाइनिंग सरफेस होती है इट इज दैट प्रॉपर्टी मेटल विच मेक देम शाइनिंग उनको क्या बनाते हैं शाइनिंग दिस स्ट्रक्चर एंड कैपेबल टू रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट लाइट यानी उनके ऊपर कोई सी भी इंसिडेंट लाइट यदि पड़ती है तो उसको क्या करते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं शाइनिंग सरफेस होती है इस कारण तो सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं लस्टर होते हैं ठीक है अब आगे देखो मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम और सॉफ्ट कैन बी कट विद द नाइफ लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं अपन देखिए सॉलिड होते हैं लगभग लगभग लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये दो मेटल जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं इनको चाकू से भी अपन क्या कर सकते हैं
काट सकते हैं। ये आपको एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। आयरन देखते हो, एल्यूमिनियम देखते हो, ये सब कैसे सॉलिड दिखाई देते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। देन मरकरी भी एक क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट में क्या है, मेटल एलिमेंट है, लेकिन लेकिन ये किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड स्टेज में मिलता है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेज एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे ये अपने को कैसा दिखाई देता, लिक्विड फॉर्म में। मरकरी आपने देखा है, आपको नहीं देखा ना, आपने देखा है, अपन यूज भी करते हैं। जब अपना थर्मामीटर जो होता है, जब अपना बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर के जो आगे की बल्ब होती है, उस बल्ब के अंदर क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है। क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है। ये मरकरी के साथ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, मेटल्स की होती है। कौन कौन सी, अब आपको यदि कोई देखे बोले कि मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, मेलेबल, पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट के अंदर, आपको ये याद रखना है, मेलेबिलिटी का मतलब कन्वर्ट इनटू थिन शीट दिस, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी के अंदर उनको क्या है, कंडक्टिविटी मीन केस में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है इजी वे में, इसलिए क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट सबको याद करना है, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी मीन्स इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं वायर टू फॉर्म के अंदर, वायर फॉर्म के अंदर इसको डक्टाइलिटी को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना सोनोरस। सोनोरस को मतलब कि प्रोड्यूस द साउंड, ये क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर। लस्टर में सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होती है, और उनके ऊपर इंसिडेंट रे, कोई सी भी लाइट रे आती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, मेटल्स की होती है, क्लियर। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे अपन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में इसके जस्ट अपोजिट ही सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके अपोजिट होते हैं मेटल्स के। जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, वो इन शाइनिंग नहीं होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। अब देखो इसके अंदर नॉन मेटल्स में कौन कौन से हैं, दोज मेटल विच डू नॉट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक ओले सल्फर है, सॉफ्ट एंड डल अपीयरेंस, और वो कैसे होते हैं, शाइनिंग सरफेस के होते हैं मेटल, और नॉन मेटल कैसे होते हैं, डल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी उनमें जो शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। और इनको यदि अपन ब्रेक करें तो ये क्या पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अपन उसने देखा था कि वो क्या होता है, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन ये कैसे हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्या सोनरस जो होता है साउंड प्रोड्यूसिंग का, वो नहीं कर पाते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर किसके होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये सारे के सारे अपोजिट है किसके, मेटल्स के, अपोजिट सारे के सारे कैरेक्टर शो करता है नॉन मेटल, क्लियर। अब नॉन मेटल में कौन कौन सा आ सकते हैं, जैसे सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस सब के सब नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप बात करें कि अपन ने देखा तो नहीं है, जैसे अपन रोजीना क्या करते हैं, वाटर पानी पीते हैं। अब पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O, क्या है H2O। अब इसके अंदर ये देखिए तो ये कंपाउंड, अब इसके अंदर ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ वाटर, तो हाइड्रोजन एलिमेंट से, और एक किससे बना हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो मिलके क्या बनाते हैं, H2O को फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स में भी ये क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होता है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब अपनी आती है इनकी प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन, जिसको अपन
नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, ठीक है, चलो।